बच्चे को बीमार दे, मेरे को बीमार दे, लेकिन जब तुम मेरे घर ना मिले मैं पता क्या कि मेरे पास नहीं है, तुम लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को। कौन कह रहा है? मेरे साथ भी बोल रही है, मेरे जेठानी भी बोल रही है, और बड़ों से यही सीख रहा मैं, वो भी बोल रहे हैं जिसके पास भी क्या ना ऐसे बोल रहे हैं, अभी मेरे को पीट रहा है, किसी को आने नहीं देता है, घर में नहीं आने, मेरे भाई को नहीं ऊपर सुनने देता है, महाराज जी श्री राम जी क्या पता नहीं, इसको निकाल दो घर से, निकाल दो। कौन कह रहा है ये? श्री राम जी कह रहे हैं, सच बोल से टड़ी। क्या कह रहे हैं? घर से निकल जाता हूँ बच्चे को लेके, मैं कहा जाऊँ, मेरे बच्चे को भी पीट दे रहे, नीचे मेरे को उतरने नहीं देते कोई सामान लाने के लिए, इतना तो मेरे पास भी किसी को रहने नहीं देते, मेरे सगा भाई को नहीं रहने देती, मैं मुकुट में दर्द कराती हूँ तो मेरी माँ भी बोलती है कि बहू ने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, मेरी कोई कार्रवाई नहीं, तो कोई प्रशासन सुनता है ना, तो कोई कार्रवाई हुई अभी तक, मैं बच्चा लेके कहाँ जब छोटा ये तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, मैं कहीं भी नहीं जा सकती, तो मेरे को पता कुछ में रखा हुआ है। एक बार इधर देखो, आपके घर चोरी कब हुई थी? पहले मेरे हमारे परिवार में तीनों भी कोरोना की डेथ होने के बाद उसका 12 दिन होते ही 24 तोला मेरा सोना था उसका गम हो गया था, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद 4 महीने हुए अभी तो बाहर निकलने के बाद में मेरे तीनों ही पीछे लगी हुई, इसको निकाल दो बस घर से, मारपीट करती है रोज। आपके साथ मारपीट किसने की? महाराज हो रही मेरी जेठानी है, सब तीनों ने। नाम बताओ। इमी और चुंदी और श्री राम जी तीनों ने मारपीट की। हाँ तीनों ने मारपीट की, फिर मैं मुकदमा दर्ज करवाया, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। कहाँ पर करवाया मामला दर्ज? महिला थाना में। महिला थाना में? मैं बता दे कि कहाँ जाऊँ अकेली, ना तो मेरे भाई को नहीं ऊपर चढ़ने देते, ना तो मेरे को नीचे नहीं जाने देते, हम चाहे तोड़ देंगे, कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे। ये कौन कहता है? ये तीनों कहते हैं, दूसरे कोई नहीं कहते। इसको निकल दो बस, निकल जा घर से, तो निकल निकल मेरा घर है। कौन कहता है? ये तीनों ही कहते हैं, इमी और सोनी देवी दोनों तो की पूरी कहती है। साथियों, ये महिला अकेली है घर में, इनके पति ससुर और जेठ तीनों की डेथ हो गई कोरोना से। अब इस महिला के साथ कुछ दिन पूर्व मारपीट की गई है सासू द्वारा, जेठानी द्वारा, और ये बता रही है एक श्री राम है करके, उस द्वारा तीनों साथ द्वारा मारपीट की गई है, उसमें भी इस महिला ने मामला दर्ज करवाया है महिला थाने में, अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? मांगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जैसलमेर रोड नवले के चक्की के पास की। साथियों आज से 4 महीने पहले एहराज राम के घर चोरी हुई थी, जिसमें 40 तोला सोना चोरों द्वारा पार किया गया था, उसकी कार्रवाई पुलिस द्वारा अभी तक कुछ नहीं की है, किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। ये महिला है जो महिला के पति ससुर और जेठ तीनों की कोरोना से डेथ हो गई थी। अब ये महिला के साथ अभी कुछ दिन पूर्व और भी मारपीट हुई है, इस महिला ने पुलिस थाना महिला में मामला दर्ज करवाया है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपन एक बार पूरी बात इस महिला से करती है, क्या मामला है और किसने मारपीट की और क्यों की है, पहले की गई चोरी का अभी तक क्यों नहीं हुआ खुलासा। क्या नाम है आपका? मांगी। मांगी क्या मामला है पूरा बताओ। पहले तो हमारे घर में तीनों की मौत हो गई कोरोना से, डेथ हो गई थी। किसकी किसकी? पहले जेठ जी की हुई थी, फिर मेरे पति की हुई थी, फिर मेरे ससुर जी की हुई थी। उसके बाद में 12वां दिन होते ही मेरा 40 तोला सोना चोरी हो गया था, उसकी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, 4 महीने हो गई है। उसके बाद में 4 महीने को होने के बाद भी मेरे को तीनों ने मेरे को पीटा है, अब घर से तू निकल जा बाहर। मैं
उन्होंने महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है एंड मेरी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और जूनी देवी और इमियो देवी और श्री राम महाराज पड़ोसी हमारे, ये तीनों ने मारपीट की है। क्यों मारपीट की? क्या घर से तुम बाहर निकल जा, बच्चे को लेके, मेरे बच्चे को भी पीट दिए, मैं ऊपर लेके नीचे नहीं उतर नहीं सकती हूँ, ऐसे मेरे को हालत खराब कर दी है। मैं तो मेरे को किसी को मेरे भाई तक ऊपर नहीं आने देते हैं घर में, ये निकल जाओ तो मैं किसको रखूँ मेरे साथ, मैं अकेली आज में खड़ी हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है। मैं तो मेरे कोई प्रशासन सुना है, मैं तो किसी ने कोई कुछ नहीं किया आज तक, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, मेरा कुछ नहीं हुआ है। तो भगवान ने कर दिया तो कर दिया, अब मेरे बच्चे का वो भी सोना भी ले गई, पता नहीं चोर लेके गए, उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। कम से कम मैं मानो एक तोला ही कम जाता है, उसका ही मानो चिंता होती है, फिर भी मैंने सोचा वो भगवान ने कर दी उसकी मैं सहन करूँ, अब इसकी कैसे सहन करूँ, अब मेरा तो मैं जिंदगी भी नहीं रह सकती हूँ, मेरी कोई